हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं, टैली में सीखने वाले हैं, पर्ची वाउचर का उपयोग कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाता है और इसके लिए क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके आज के क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि परचेज वाउचर होता क्या है, इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, ध्यान देना, मतलब हमने बताया था ना कि जिससे हम खरीदते हैं हमारा क्या बोला जाता है, सप्लायर बोलो। और उसे उसका जब लेजर बनाते हैं तो अंडर ग्रुप क्या रहता है, सन्ड्री क्रेडिटर, याद है आपको ना। तो बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री पर्चे वाउचर में करनी होती है। मतलब चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, दोनों ही कंडीशन में इसकी एंट्री किसमें की जाती है, पर्चे वाउचर में। लेकिन देखो यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि पर्चे वाउचर में एंट्री तीन मोड में की जाती है, पहला आइटम इनवाइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस मोड, तीसरा एज वाउचर। समझने की कोशिश करना, मतलब आपको इतना बताया जा रहा है क्लियर कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, खरीदते किसे हैं, सप्लायर्स, तो उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है टैली में उसके लिए वाउचर बनाया गया। कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर, ठीक है। अब चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, ठीक है, अब नगद में बैंक का भी नाम आ सकता है, बोलो, चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, दोनों ही कंडीशन में इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन परचेज वाउचर के लिए जो शॉर्ट कोड की होता है अपनाए, अब इसमें भी आने के बाद तीन तरीके, तीन मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस मोड और एज वाउचर। और कब एज वाउचर, कब अकाउंटिंग इनवॉइस, कब आइटम इनवॉइस, हम लोग आज के क्लास में यही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है एज वाउचर, क्या है बाबू, एज वाउचर। अब एज वाउचर होता क्या है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान देना, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि एज वाउचर में हम लोग किसी गुड्स का डिटेल नहीं देते, फिर बताते हैं कितने का खरीदा है, नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, और इसे क्यों डेबिट क्रेडिट करना होता है, कैसे, चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है एज वाउचर मोड, क्या लिखा गया है, एज वाउचर मोड। कहा जा रहा है इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना करना हो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड मतलब है ना गुड्स से रिलेटेड कोई जानकारी ना देना हो कि कौन सा एमआई का है, इसका रेट क्या है या नहीं, बस हमको बताना है कितने लाख रुपए का हमने खरीदा, किससे खरीदा, बस इतना ही मेंशन करना है। तो उसके लिए हमें किस मोड का इस्तेमाल करना होता है, एज वाउचर। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी दिया है, इस क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, और बहुत सिंपल तरीका है। तो बताया जा रहा है एज ऑन 2nd अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितना, 20,000 ऑन कैश विथ इनवाइस नंबर 01। अब कहो सर क्या मतलब इनवाइस नंबर, मतलब अगर हम आपसे कुछ खरीदते हैं तो आप बिल बना के दोगे ना, तो इनवाइस नंबर हमको रिसीव हुआ है, क्या नंबर है, 01। आप जो फीस जमा करते हो उसका भी देखते हो GIT/ कुछ नंबर रहता है, वही नंबर है। तो मतलब जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो कुछ बिल मिलता है, उसमें कुछ इनवाइस नंबर रहता है, उस बिल का नंबर रहता है, ठीक है, वही होता है इनवाइस नंबर। तो देखो जिससे हम खरीद रहे हैं नगर, अब किससे खरीद रहे, नाम नहीं बताया हमने, ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं, नगर माल खरीद रहे हैं, लेकिन इनवाइस नंबर क्या जनरेट हुआ, 01। तो अपने कंप्यूटर में दिखाना पड़ेगा, आगे चल के फ्यूचर में कोई पूछ दे कि इस इनवाइस के अंदर कितना पैसा हमने खरीदा है, कितने का नगद, तो तुरंत क्या करेंगे, उस इनवाइस को खोलेंगे, बता देंगे, बोलो। तो आसानी तरीके से रिपोर्ट दिया जा सकता है।
किसी को रिकॉर्ड करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वही हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले पहली प्राइम ओपन करते हैं और आते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो टैली को ओपन करते हैं, तब कंपनी को ओपन करेंगे, तब वाउचर में। गाड़ी में ठंडक बहुत ज्यादा लग रही है, जब तक चलाते तो नहीं लगता है, तो लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आएंगे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, ठीक है, और उसके बाद से हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव किस नाम से, गायत्री, और जो पासवर्ड लगा है पासवर्ड डालेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, आज जो इस्तेमाल करने वाले हैं कौन सा वाउचर इस्तेमाल करने वाले हैं, पर्ची वाउचर। तो हम आ जाते हैं गेटवे टैली वाउचर। तो बाय डिफॉल्ट हमने बताया था कि जो ओपन होता है वो कौन सा वाउचर ओपन होता है, पेमेंट वाउचर। अब हमें क्या करना है, परचेज वाउचर को ओपन करना है। तो मैंने बताया है इसके लिए शॉर्टकट की अपनाइन, तो हम ये अपनाइन प्रेस करेंगे, तो आ गया परचेज वाउचर, दिख रहा है यहाँ पे ना, परचेज, और इनवाइस नंबर वो आ गया 1। लेकिन हमको इस मोड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको तो मोड चेंज करना है। बताइए, हमने पढ़ाया था मोड को चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यस, तो दबाएंगे कंट्रोल प्लस यस। तो देखो जैसे कंट्रोल प्लस यस दबाएंगे तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन दिख रहा है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर, दिख रहा है आपको, तीनों दिख रहा है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एज वाउचर सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करते ही देखो पूछा जा रहा है कि सप्लायर इनवाइस नंबर, दिख रहा है आपको, तो सप्लायर ने जो हमको इनवाइस नंबर दिया है क्या दिया है, 01, तो यहाँ पे लिखेंगे 01। क्लियर है सबको? किस डेट का है, डेट मेंशन कर देंगे, मैंने बोला था ना एजुकेशन मोड में हर एक डेट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग जब काम करो तो आप क्या करोगे, वो डेट मेंशन कर दो किस डेट का है, उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। अब आप बताइए, जब नगद माल खरीदेंगे तो कैश हमारा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, मतलब 20,000 का नगद माल आपसे खरीद रहे हैं तो कैश व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, और कैश व्यापार से जाए तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, रियल अकाउंट है। क्लियर है आपको ना? और परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारे व्यापार के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और परचेज हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, और नॉमिनल का रूल है हर एक्सपेंस को क्या करिए, डेबिट करिए, तो बनेगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा ना। तो चलिए आ जाते हैं, ये पूछा जाता है क्रेडिट किसको करना है, तो कैश को करना है, यहाँ पे कुछ अभी डालना नहीं है हमको, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट में कितना कैश पड़ा हुआ है, 22,37,445, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितना, 20,000, इंटर। अब डेबिट करना है तो डेबिट किसको अकाउंट को करना है, परचेज के अकाउंट को, तो अल्ट सी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेजर हमने बनाया नहीं था, हमको बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे परचेज लोकल। अब को सर क्यों लोकल, तो मैंने बताया था आपको कि जब अपने ही राज्य में क्या करते हैं हम लोग, खरीदते और बेचते हैं, उसे बोलते हैं लोकल, और इंटरेस्ट सप्लाई हो रहा है, बोलो, और जब हम क्या करते हैं, हाँ, दो स्टेट के बीच की बात की जाती है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट, बोलो, कभी जब अलग आएगा तो इंटर स्टेट बनाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे लोकल, तो यहाँ पे पर्चे लोकल, पर्चे अकाउंट भी बना सकते थे हम लोग, तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे, अंडर ग्रुप परचेज, परचेज के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और उसके बाद से टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, करें जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला, जी एप्लीकेबल, क्योंकि अब परचेज में हमेशा जीएसटी हम लगाएंगे, अभी खरीदेंगे बेचेंगे तो एप्लीकेबल, करें सेट अंडर जीएसटी डिटेल नहीं, हम आइटम में जो सेट किए वही रहना चाहिए, कुछ नहीं करना। टाइप्स ऑफ सप्लाई, गुड्स या सर्विस, जी गुड्स, और यहाँ पे अनडिफाइंड जो है और आने देंगे, और इंटर इंटर एक्सेप्ट। तो अभी आइटम का जिक्र करना है क्या, नहीं करना है, टोटल हमने जितने खरीदा था वो हमने बस बता दिया, कितने का खरीदा है, 20 का। क्लियर है आपको? देखो
दिख रहा ना आपको यहाँ पे, तो डेबिट कर दिया 20,000, तो बस इंटर दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैक आते हैं। चलो आज एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन किया है। अब आ जाते हैं डे बुक में, तो सारा क्वेश्चन डे बुक में दिखता है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए पेमेंट वाला भी दिख रहा है, रिसिप्ट वाला भी दिख रहा है, कंट्रा वाला भी दिख रहा है और परचेज वाला भी दिख रहा है, तो मुझे केवल परचेज वाउचर का देखना है या मुझे केवल कंट्रा वाउचर का देखना है या केवल मुझे रिसिप्ट वाउचर का देखना है? तो किसी पार्टिकुलर वाउचर का जब ट्रांजेक्शन देखना हो तो यही पे देखो लिखा है वाउचर टाइप, दिख रहा आपको? तो वाउचर टाइप इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F4। तो वाउचर टाइप पे आ जाएंगे। अब वाउचर टाइप पे आते ही इसी का पूछा जाता है आपसे किस पार्टिकुलर वाउचर का ट्रांजेक्शन देखना है, तो हमें देखना किसका, मतलब हमको अभी परचेज किया ना, तो परचेज को अलग देखना है, रिसिप्ट को अलग देखना है। चलो पहले परचेज देखते हैं, तो परचेज ले लिया, तो अभी देखो बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिख रहा था, इंटर बटन दबाएंगे तो केवल परचेज वाला दिखेगा। परचेज का कितना क्वेश्चन किया है, एक किया है। फिर से बैक आते हैं, फिर से डे बुक पे आते हैं और मान लो ये फोर बटन दबाते हैं और मैं सोच रहा हूँ कंट्रा वाउचर में कितना क्वेश्चन किया हूँ, तो आ जाता हूँ कहाँ पे, कंट्रा में, और इंटर बटन दबा देता हूँ, तो देखो कंट्रा वाउचर में कितना क्वेश्चन किया, पांच क्वेश्चन किया। क्लियर आपको? तो अगर कोई पूछे किसी पार्टिकुलर वाउचर के हिसाब से ट्रांजेक्शन देखना है जिसके लिए शॉर्ट कोड की क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, या फोर बटन, लिख लेना आप लोग कॉपी में। किसी पार्टिकुलर वाउचर के हिसाब से ट्रांजेक्शन देखना हो तो डे बुक में जाके क्या करते हैं, या फोर बटन दबाते हैं। डे बुक में जाके फोर बटन दबाते हैं। किसी पार्टिकुलर वाउचर का ट्रांजेक्शन देखना हो तो ये फोर बटन दबाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्या, इसके बटन दबाते हैं। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ये तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड नंबर इसी से रिलेटेड दिया है, तो क्या दिया समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है एज ऑफ 2nd April 2021 परचेज गुड फॉर ₹30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, और रमेश ट्रेडर्स का डिटेल दिया है ट्रांसपोर्ट नगर के हैं, कहा पढ़ रहा हूं ना, उसी नगर, जीएसटी नंबर दिया है, क्लियर है, और इनवाइस नंबर क्या दिया है 09 02। ठीक है, तो आप लोग आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो देखो जैसा सलूशन इसका था ना, सेम ऐसा भी इसका सलूशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया थोड़ा देखो इसके हिसाब से मत करना, इसमें थोड़ा गलती कर दिया गया, बोले यहाँ पे कैश होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखो होता क्या है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ दे ऐसा रीजन, चलो नगद खरीदे किससे खरीदे थे, तो हम कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, उसके अंदर दिखा सकते हैं कि किससे खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान मत होना, जो बनाया था स्क्रीनशॉट लेते समय मालूम बनाते समय गलती हो गया, तो परेशान मत होना, ये भी सलूशन ये रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर सबको, ठीक है। लेकिन किस व्यक्ति का नाम दिखाना है, क्यों दिखाना, हमारा ओनर अगर उस फ्यूचर में नगद खरीदे थे, बेचे थे या खरीदे थे किससे, वो हमको बता दो, तो अगर हम इसमें दे देंगे, बता देंगे रमेश से और यहाँ के हैं, तो इनके फ्यूचर में कभी वेरीफाई करना हो, चेक करना हो, तो चेक किया जा सकता है, क्लियर है ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या स्टेप है और क्या क्या करना होगा, बहुत सिंपल तरीका, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आ जाते हैं टैली में, पहले एक लेजर बनाते हैं, आ जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से हम आ जाएंगे कहां पे, लेजर में, और बनाते हैं रमेश ट्रेडर्स, और हमारे सप्लायर है ना, कौन है हमारे सप्लायर है, तो सप्लायर को क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहां पर ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्लियर है। उसके बाद से इनका एड्रेस भी दिया है, क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट नगर
पढ़ रहा हूँ ना, कुशीनगर। ओके, उसके बाद यहाँ पे इनको यही है, मतलब डिटेल हम दे रहे हैं, क्या हो गया जी? अरे चलो उतना चलेगा यार, ठीक है, तुम सही से भरना जल्दी टाइपिंग। अब रजिस्ट्रेशन टाइप, पेन नंबर, तो पेन नंबर हम निकाल सकते हैं जी, बोलो कहाँ से? मैंने बोला था ना कि जो जीएसटी नंबर जनरेट होता है किसके बेस पे होता है, तो 09 छोड़ के जो 10 अंक है क्या है, पेन नंबर। तो इसको मैंने क्या किया, पेन नंबर भी डिटेल में भर देते थे, इस बार पूरा मैं बताया हूँ कि कैसे ये पूरा डिटेल भरेंगे, ठीक है। उनका बैंक का डिटेल भी सुन लो, अगर मेरे पास है तो भी हम दे सकते हैं, यस करके, क्लियर है ना। चलिए मैं आपको क्या कर देते हैं, पेस्ट किया, इंटर, रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रेगुलर डीलर है, क्या है? रेगुलर है। अब जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है, तो क्या है, तो जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा रेगुलर क्या होता है, हाँ पेश कर देंगे, क्लियर है सबको? एक्सेप्ट किया? चलिए बैक आते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए आएंगे कहाँ पे, बाउचर में। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर 02, बोलो आ जाएंगे, डेट ले लेंगे, जो भी है, क्रेडिट किसको करना है, कैश को करना है। अब कैश को करते समय देखो यहीं पे नीचे जब आओगे ना तो डिटेल पूछा जाएगा कि सप्लायर बिल फ्रॉम, तो बताएंगे रमेश, क्लियर है? फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, कितने रुपए से, तो अभी बताएंगे। तो बस यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नाम दिखाना तो दिखा सकते हैं, क्लियर है ना, उसका डिटेल पूरा का पूरा आ जाएगा। नहीं कैसे रहने देंगे, क्लियर बाबू? क्या है जी, ले लिया, कितना पैसा, तो 30,000 का खरीद रहे हैं, क्लियर है ना। परचेज में कितना, तो 30-20 कितना हो जाएगा, 50, मतलब अभी तक के क्वेश्चन में कितने हजार रुपए का खरीद लिए हैं, 50,000 का, तो आ गया ना यहाँ पे, इंटर और एक्सेप्ट। बैक आते हैं और आ जाते कहाँ पे, डेबू, उसके बाद से ये फोर बटन, उसके बाद से परचेज, इंटर, दो क्वेश्चन, टोटल 30-20 कितने का खरीदा है, 50 का। अब चलो, तो मैंने यहाँ पे दोनों तो नगद ही खरीदा है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। अब चलो, मैंने पेमेंट वाउचर आपको समझाया था कि नहीं बताया था, बताया था, चलो हम कुछ वैसे नॉर्मल वैसे उधार खरीदते हैं और उसका पेमेंट करके दिखा देते कैसे होता है, इसे और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे पुराना वाला करते हैं और कैसे नया वाला करते हैं। तो बैक आते हैं थोड़ा सा और आ जाते हैं वाउचर में, और इनवॉइस नंबर मान लो 03 था, कितना था, 3 था, किससे खरीदे थे, तो हमने रमेश से खरीदा था, किसे, रमेश से, किसे खरीदा था, रमेश से, कितने रुपए का, 20,000 का। न्यू रिफरेंस, किस दिनिया रिफरेंस का नंबर 03, वही रिफरेंस नंबर पुराना वाला डाले थे इस साल में, इस बार तो नया जनरेट हो गया ना, अब इसका बिलवाई तो एंट्री करना नहीं हमको, बस बैक आ जाएंगे, मतलब एक्सेप्ट परचेज, कितने का, 20 का। अब बताओ, अब हमको पेमेंट करना है उनको, तो कहां जाएंगे, ये फाइव बटन दबाएंगे पेमेंट वाउचर में, डेबिट किसको करना है, रमेश को, पेमेंट वाउचर के लिए। और देखो अगेंस्ट डिफरेंस आ गया, इस बिल के अगेंस्ट कितना पैसा देना है, 20,000, मान लो 20,000 नहीं मेरे पास, 15,000 देना हमको, क्या 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 कर देंगे जी, 15,000, इंटर, इंड ऑफ लीज, किससे, तो कैश दे देते हैं, क्लियर है। चलो फिर से रमेश को सेलेक्ट करें, रमेश कितना बाकी है अभी, 5,000, और ये 5,000 किससे दे दे रहे हैं, बैंक से, एडवांस बाकी है, तो क्लियर बाबू। अब देखिए, अब फिर से रमेश को सेलेक्ट करें तो क्या होगा, इसका हमारा है 0, भाई ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब जितना पैसा देना था दे दिया उसने, क्लियर बाबू। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं,
तो हमने अभी तक दो क्वेश्चन बनाया, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर अलग हमारा है, आइटम इन माई मोड। इसको सभी लोग समझ लेना, जो लेट है वो भी समझ लो, आ जाएगा सबको, लेकिन नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। देखो बताया जा रहा है कि इस मोड में इन्वेंटरी डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और वाउचर मोड से आइटम मोड में क्या करना होता है, आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करना होता है। मतलब कोई पूछता है आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल परचेज वाउचर में कब करते हैं, तो बता सकते हो कि आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल परचेज वाउचर में, ठीक है, उस समय करते हैं जब हमको इन्वेंटरी रिकॉर्ड देना हो कि कौन सा आइटम खरीदे हैं, उसका रेट क्या है, उस पे कितने परसेंट जीएसटी है, टोटल अमाउंट कितना है, वो सारा एक एक करके डिटेल दिखाना हो, शो कराना हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी? जी आइटम इनवॉइस मोड, ठीक है। और अगर एज वाउचर में हो तो आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस एच। अभी से पहले से पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक बार और सीख लो, समझ लो कहां कहां कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी ओपन करने बाद से कहां आएंगे? वाउचर में, वाउचर में आ गए। और इस बार वाउचर में आने के बाद से हमको कंट्रोल प्लस एच दबाना है, ठीक है, परचेज वाउचर में आने के बाद से। ये अपना ही दबा दिया, अब कंट्रोल प्लस एच। तो देखो तीन ऑप्शन दिख रहा है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। तो आप बताओ क्या लेना हमको? एज वाउचर बताया है, आइटम इनवाइस लेना है, तो आइटम इनवाइस ले लेंगे, क्लियर है। अब पूछा जरा सप्लायर इनवाइस नंबर, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सप्लायर का इनवाइस नंबर दिया है 21, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 21, क्लियर है। किस डेट का डेट मेंशन कर देंगे? इंटर पार्टी अकाउंट ने, हम किससे माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बताया जा रहा है किससे खरीद रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स। अब क्वेश्चन देखो, भी क्या उधार खरीद रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या? रमेश, नगद रहता तो कैसे लेते, तो रमेश ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लिए। अब रमेश ट्रेडर्स का डिटेल यहाँ पे दिखेगा कि रमेश का एड्रेस क्या है, किस स्टेट के हैं, तभी तो पता है लोकल है कि इंटर स्टेट है, तो कोई यूपी के हैं, बोलो। तो हम देख लिए यूपी के हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सोच समझ के लगाएंगे। और आ जाएंगे परचेज लेजर, तो लोकल रहेगा, क्या रहेगा? लोकल। परचेज लेजर में क्या लेंगे? परचेज लोकल, क्लियर है, बोलो। अभी तक कितने के परचेज कर लिए हैं? 70,000 का, देख लो, तीन क्वेश्चन किया है। अब नेम ऑफ आइटम ध्यान देना, नेम ऑफ आइटम। अब क्या खरीद रहे हैं ये समझो, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस दो पीस खरीद रहे हैं, एक का रेट क्या है? 21,000, टोटल 42,000 आ गया, क्लियर है सबको। उसके बाद से सोनी एमडीआर, उसके बाद कितना पीस? 3 पीस, और रेट क्या है? 1200, कितना आ गया? 3600। ये दोनों आइटम हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, कोई बात नहीं, पुराने साल का, इस साल तो महंगा नहीं हो सकता है। अरे जब क्लोजिंग सॉल्यूशन में गलती हो गया, आप सही कर लेना, पिछले साल का 1000 था, इस साल जब हम खरीदे तो 1200 मिला था, तो 1200 ही मेंशन करेंगे। अगर गलती यहाँ पे किया होगा तो मत करना, क्योंकि हम बता रहे हैं, समझ लो। तो आप बताइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आते हैं इनवॉइस नंबर भी डाल दिया, किससे खरीद रहा हमें स्टेटस भी डाल दिया, अब आइटम लेना हमको, और आइटम का जीएसटी डिटेल सब भरे हैं पहले से, कब भरे थे? क्लोजिंग स्टॉक एंट्री जब किए थे तब भरे थे, 3,20,000 का। तो वो कुछ करना नहीं है, आ जाना है परचेज में, नेम ऑफ आइटम लेना है, तो सैमसंग, तो आ गया ना गैलेक्सी, तो पहले से कितना पीस पड़ा हुआ है? 2 पीस पड़ा हुआ, देख लो 2 पीस पड़ा हुआ है, और 2 पीस और खरीद है, कितना पीस हो जाएगा? 4 पीस। हाँ ये समझना होगा आपको। लोकेशन, तो लोकेशन पे आ जाते हैं, और यहीं पे क्या लिखा है? शॉप, तो कहां पर रखे हैं? शॉप में, वेयर हाउस में। चलो इसको भी 2 ही पीस है ना, 2 पीस और रख लेते हैं, कौन गोडाउन में लाकर रखेगा, तो शॉप में ले लेते हैं। क्वांटिटी, तो कितना पीस खरीद रहे हैं? तो 2 पीस, तो लिखेंगे 2। रेट 21 है, तो मतलब पिछले साल भी वही था, इस साल भी यही है, तो वही रेट है, कोई दिक्कत नहीं, 21 लेके और एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर है सबको। इंटर दबाएंगे। नेम, दूसरा आइटम क्या है? सोनी, सोनी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सोनी,
क्लियर है, इंटर दबाएंगे। अब लोकेशन किस लोकेशन पर रख दे, 100 पे कितना पीस है, 7 पीस, चलो 3 पीस और रख देते हैं, 10 पीस हो जाएगा 3 पीस। लेकिन रेट पहले का कितना था, 1000 था, तो जो बनाया होगा उसे इंटर बटन दबा के बना दिया होगा, स्क्रीनशॉट दे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देना हमको, 1200। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट कर लिया। अब टोटल वैल्यू कितना आया, 45,600। और इसी पे जीएसटी लागू हो रहा है, कितना परसेंट, देखो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, और ऑलरेडी आइटम में भी दिया है, तो देखो कहा जा रहा है कि अब जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का क्या करना होगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो अपने आप उठा लेगा 45,600 का, हमको कैलकुलेट करके बताना नहीं है। अब कैसे उठाएगा वो बताते हैं, तो पहले तो ये लेजर बनाओ दोनों, किसका किसका, सेंट्रल का और स्टेट का, बनाया गया, देखो बताया भी क्या कैसे बनाना, हम बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद से कुछ ऐसा सलूशन आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टैक्स आ गया और स्टेट टैक्स आ गया, दिख रहा आपको, बोलो। लेकिन यहाँ पे 1000 पे है, हमारा 1200 पे है, तो अलग आएगा नहीं आएगा, चलो हम समझा रहे हैं कैसे करना है। इसके लिए आ जाते हैं टैली, और इसके लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अल्ट सी करके क्या करेंगे, लिखेंगे सेंट्रल टैक्स, क्या करेंगे, सेंट्रल टैक्स। अब पूछेगा अंडर ग्रुप, ये टैक्सेस रिलेटेड है, तो लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब टैक्स है एक प्रकार का, क्लियर है, अल्ट सी। उसके बाद से टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो लेंगे जीएसटी, क्लियर है। टैक्स टाइप क्या है, सेंट्रल टैक्स है, इंटीग्रेटेड या स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स। अब कर आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो हम बोला नहीं सर इतना तो हम बनाते रह जाएंगे, सेंट्रल टैक्स 5%, 8%, 12%, उससे बढ़िया जो आइटम पे जितना होगा ना उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना, इसलिए यहाँ पे जीरो रहने देंगे, यहाँ पे फिक्स हमको नहीं करना है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, बस आ गया, देखो आ गया 41,400। चलिए उसके बाद अल्ट सी क्या लिखेंगे, स्टेट टैक्स, हमेशा सेंट्रल, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, और क्या लेंगे आप, स्टेट टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस एक्सेप्ट कर लेंगे। दोनों को बराबर आया, अब कहो सर कैसे माने रियल में सही है, तो चलो हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, कंट्रोलियन, और कितना है, 45,600, क्लियर है आपको, 45,600 और इनटू 80 डिवाइड बाई 100, तो टोटल 8,208 रुपया आ रहा है। अब 8,208 रुपया, ठीक है, डिवाइड बाई 2, बताओ 4,104 रुपया आया, वहां पे 4,104 रुपया आया, मतलब सही आता है, मतलब आपको जोर जोर के बार बार लिखना नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन कब सही आएगा, जब सब कुछ सही से डिटेल भरोगे, क्या क्या, पहला तो आपकी कंपनी में जीएसटी डिटेल पूरा सही से भरा होना चाहिए, मतलब जीएसटी फीचर जिसमें नहीं इनेबल होगा वह नहीं कर पाएगा। सेकेंड, आपको यह देखना होगा कि जीएसटी हमने जब फीचर इनेबल किया था तो अप्लीकेबल कब से किया था, 1 अप्रैल से किया था ना, और यहाँ पे डेट ले लेते हैं मार्च, तो भी नहीं उठाएगा, तो यहाँ पे डेट क्या होना चाहिए, अप्रैल होना चाहिए, भी ध्यान देना होगा, नहीं तो सब सही जैसे सब दिखिए तो ऐसा भी किए, क्यों नहीं आ रहा है। पहला देखो, कंपनी में जीएसटी फीचर इनेबल करना ने बताया था, आप लोग किए हो सही से किए हो, ठीक है, वहां पर भी गलती हो सकता है कभी कभी, तो वहां से भी अगर ना आए तो चेक कर लेते हैं, कहाँ चेक करेंगे, कंपनी में जाके फीचर में जाके, ठीक है। उसके बाद फिर अगर जीएसटी नहीं आ रहा है, पहले देखेंगे डेट, ध्यान देंगे कि अप्लीकेबल वहां पे कितना किया, तो 1 अप्रैल से किया है, और यहाँ पे ले लिया 30 मार्च, तो लेगा नहीं लेगा, समझे, मतलब फाइनेंशियल अगर गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्लस सेकेंड नंबर हमने बता दिया, थर्ड नंबर ये देखेंगे जिस पार्टी का डिटेल बनाया है वो सही सही बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है ना, मतलब क्या है, रेगुलर है या रजिस्टर्ड डीलर है, उनका जीएसटी डिटेल हमने दिया है कि नहीं दिया है, स्टेट गलत तो नहीं सेलेक्ट किया है, मान लो सेलेक्ट कर दिया दिल्ली, अब मेरा कंपनी क्या है यूपी में, तो वहां पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स नहीं लेगा, वहां पे लेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
कभी नहीं उठाता है, तो एक बार पार्टी में चेक कर लेंगे कि स्टेट क्या है। मतलब मेरा तो आ गया लेकिन आप में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, चौथा और आई रजिस्ट्री नहीं जा रहा, तो पहले रीजन बता दे रहे हैं, तीन जगह हो गया, चौथा जगह यह हो सकता है परचेज के लेजर में, जब परचेज के लेजर बनाओगे तो हमेशा नॉट अप्लीकेबल करते गए हो, लेकिन इसमें हमने क्या किया, अप्लीकेबल किया, मतलब परचेज लोकल, परचेज अकाउंट, जीएसटी अप्लीकेबल, जी अप्लीकेबल, लेजर में बना के बताया गया है। बोलो, तो यहाँ पे परचेज वाउचर बनाते समय क्या हुआ, जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ से भी गलती हो सकता है, नॉट अप्लीकेबल रहेगा तो नहीं उठाएगा, हमने बता दिया जीएसटी नॉट अप्लीकेबल परचेज पे, उठाएगा जीएसटी नहीं उठाएगा, चौथा तरीका बता दिया। पांचवा आइटम में कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी बना देते हैं आइटम में जीएसटी डिटेल भरते नहीं है कि कितना परसेंट जीएसटी है, 18% है, 12% है, 28% है, समझे ना, तो वहां पर भी हमको चेक करना पड़ता है जीएसटी डिटेल हमने भरा है कि नहीं भरा है, पांचवा तरीका हो गया। उसके बाद से सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का लेजर सही से बनाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लो सेंट्रल टैक्स बना लिया और उसका ग्रुप भर दिया अलग, तो भी नहीं उठाएगा, क्लियर है सबको, पर यही कहीं से गलती होगा तो ही जीएसटी नहीं उठाएगा, अगर सब सही से भरे हो 100% जीएसटी सही उठाएगा, क्लियर है। अब कौन कैसे चेक करेंगे बोलो, अगर तुम कहना है तुमको सर कैसे चेक करेंगे, तो मैं एक एक करके चेक करके बताता हूँ। तो पहला तो आप डेट तो दिख रहा है तुम लोग के सामने जी। तो चलो पार्टी ने मैं चेक कर लो, तो यहाँ पे जैसे इंटर बटन दबाओगे तो देख लो यही पे बताता है स्टेट क्या है इनका, जीएसटी नंबर डिटेल भरा है कि नहीं भरा है, सेम स्टेट है अदर स्टेट है, क्लियर है सबको। कंट्रोल ए करके पहले चेक कर लिया, डेट भी चेक कर लिया, हाँ परचेज, तो परचेज को चेक करना तो क्या करवाएंगे, कंट्रोल प्लस इंटर, डायरेक्टली अल्टर मोड में ओपन हो जाता है, मतलब बार बार वापस ना जाओ, डायरेक्टली अल्टर मोड में ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर लिख लो, किसी भी लेजर को अल्टर मोड में ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर, अल्टर मोड में किसी भी लेजर को ओपन करना हो तो कुछ गलती है सुधार करना है तो डायरेक्टली बैक ना जाके कंट्रोल इंटर दबा दे, तुरंत लेजर वहीं पे खुल जाए, हाँ उसी का खुलेगा जिस पे क्लिक किए जी जी, अल्टर मोड ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। अब देख लो चेक कर लेंगे यहाँ पे परचेज लोकल ठीक है, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ठीक है, जीएसटी अप्लीकेबल है जी, अप्लीकेबल है, ऐसा तो है नहीं नॉट अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल गुड्स है कि सर्विस है, चेक कर लेंगे नहीं नो ही रहने, क्योंकि एक ही जगह जीएसटी भरा जाता है, बताया था ना केवल ग्रुप में, सब जगह भर दोगे तो कहीं काम नहीं करेगा, एक जगह कोई भरना है बस आइटम, क्लियर है ना, इंटर और एक्सेप्ट कर देंगे, क्लियर है सबको। चलो अब आइटम में भी हमको विश्वास नहीं, पता है भरा है कि नहीं भरा है, देखिए ये भी चेक करना है तो कंट्रोल इंटर आ गया, देखो आइटम। अब मान लो हमने क्या किया है, जीएसटी डिटेल ग्रुप में भरे थे ना, अब ग्रुप में चेक करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल इंटर लो, और यहाँ पे आ जाएंगे क्या करेंगे इसको, यस देख लो सब जीएसटी डिटेल है, 18% दिख रहा है ना, चलो और ये F12 बटन दबा के पूरा देखना है तो दबा दो, यस, और यहाँ पे भी यस, मतलब उन्हें सब भरा है इसीलिए आया है, ना भरे तो नहीं आएगा, क्लियर बाबू। और बस इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे, क्लियर है। चलो एक मैं हटा के दिखा देते हैं तुम लोग को, कंट्रोल इंटर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, कंट्रोल इंटर और क्या कर देते हैं, यस, और यहाँ पे मान लो कर दिया जीरो, ठीक है, मतलब वैसे हम कर देते हैं टैक्सेबल नहीं है, वैसे क्या है जी, एग्जेम्प्टेड है, अननोन कर दो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखो देखो पैसा कम हो गया होगा, कितना आया, अब 3780 रुपया है, कुछ समझे, हाँ तो ऐसे काम करना है, नहीं सर है इस पे सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, कंट्रोल इंटर और ग्रुप में कंट्रोल इंटर और क्या करेंगे आप, यस, और यहाँ पे कर दे रहे टैक्सेबल और 18%, कंट्रोल ए आ गया बाबू। चलो अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके दिखा रहा हूँ, हाँ ये ईमेल बार बार यस क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं बताया था ना कि जब भी 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो बार बार यस नो का ऑप्शन आएगा, तभी हम जनरेट करना नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे नो, और इसको एक्सेप्ट कर लिया, सेव हो गया। अब अभी जो क्वेश्चन किया हो तुरंत अभी क्विकली देखना है तो दो तरीका, एक दो तरीका क्या करोगे, डे बुक में जाके देखोगे, और एक तरीका पेजअप दबा दो तुरंत आ जाएगा, पेजअप लिख लेना,
मतलब तुरंत क्यूकली वही क्वेश्चन देखना है, कभी जो क्वेश्चन किया है उसके लिए क्या दबाएंगे, पेजअप, पेजअप कीबोर्ड से आने तो देखना है तो डे बुक में जाना पड़ेगा, कौन इजी रहेगा, पेजअप मतलब अभी तुरंत क्वेश्चन किया है क्यूकली उसी क्वेश्चन को ओपन करके देखना है तो पेजअप दबाएंगे, और एक एक करके देखना है तो बैग बैग जाके देख बाबू और आपको मान लो ये बिल प्रिंट करके देना है, ये परचेज कर देते हैं फिर भी दिखा दे आपको कैसे बन के आता है, आपको लगेगा हाँ सर ऐसा ही तो मिलता है, क्या करेंगे हम लोग, अल्ट पी लिख लेना शॉर्टकट की है, प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है, अल्ट पी, ओके, उसके बाद से कंट्रोल पी, नहीं हो रहा तो सेलेक्ट कर लो, आ गया, और उसके बाद से देखो ये भी लिख रहा है इनवाइस, लिख रहा आपको, तो पहले तो प्रीव्यू देख लो कैसा आ रहा, पहले प्रिंट नहीं देते हम लोग, प्रीव्यू आ गया, देखो बन गया बिल, ये भी इनवाइस नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या कौन खरीदा है और यहाँ पे कौन बेचा है, रमेश स्टेटर ट्रांसपोर्ट नगर जीएसटी सारा आ गया ना आपको, यहाँ पे देखो करके देखो क्या क्या खरीदा है बता दिया, कितना जीएसटी सेंट्रल टैक्स कितना लगा, स्टेट टैक्स कितना लगा बोलो, और यहाँ पे रमेश का साइन हो जाएगा, मतलब बिल वही देंगे तब चढ़ाएंगे ना, तो ऐसे में आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं, तो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया डिटेल में आपको समझाया, ठीक है, तो आप लोग को एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आज पहले यही करिएगा, पूरा लेजर बना लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल से हम इसके बाद से आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा समझाऊंगा।